हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सचिन शिवम चैनल। आज हम बनाएंगे पेन स्टैंड फ्रॉम पेपर। इसके लिए हमें चाहिए होगी 2A4 शीट, सीजर, ग्लू एंड पेंसिल स्केल। फर्स्ट A4 शीट को बीच में से हाफ फोल्ड कर लेंगे और उसे कट करके 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। अब इसके 4 पीसेस करेंगे, इनको भी 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे दोनों को। ऐसे ही 6 पीसेस तैयार करने हैं हमें। इसके एक साइड के कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर के गैप पे एक मार्क कर लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर के गैप पे एक मार्क बना लिया हमने और इसे स्केल की हेल्प से फोल्ड बना लेंगे। अब बाकी बचे 14 सेंटीमीटर का जो पीस बचा हुआ है उसका मिड पॉइंट लेंगे। 7 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट आएगा। उससे एक ट्रायंगल शेप कॉर्नर से बनाएंगे। जो हाइट लेनी है हमें 2.5 सेंटीमीटर। अब ये मार्क हमने बना लिया है, ये बने हुए मार्क को कट करके अलग कर देंगे, पीस कट करके अलग कर देंगे। ये इस टाइप से सीजर की हेल्प से कटिंग कर लेंगे। यह इस तरह से पीस हमारा कट के तैयार होगा। ऐसे ही 6 पीसेस हमें तैयार कर लेने हैं। अभी हम कॉर्नर डेकोरेटिव टेप की हेल्प से डेकोरेट कर रहे हैं। कॉर्नर पे सिर्फ लाइनिंग लगा रहे हैं डेकोरेटिव टेप की। ये पूरा कॉर्नर इसी टाइप से डेकोरेट कर लेंगे। जो ट्रायंगल शेप कॉर्नर है सिर्फ उसी को डेकोरेट कर रहे हैं। इसी तरह से इस साइड पे भी लगा लेंगे। ये हमारा पीस तरह से तैयार हो जाएगा। और इसके साइड वाइज जो फोल्ड हमने 1 सेंटीमीटर का बनाया था उस पर ग्लू लगा के दोनों कॉर्नर्स को जोड़ लेंगे। इस तरह से 6 पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसमें से 2 पीसेस लेंगे, इन 2 पीसेस को ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे आपस में। ये दोनों पीसेस आपस में चिपक जाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे, चिपक जाएंगे ये। अब इसे हम डेकोरेट कर रहे हैं, स्टार लगाया हमने। अब हम बनाएंगे एक एंग्री बर्ड जो हम इन पेन स्टैंड के साथ अटैच करने वाले हैं। एंग्री बर्ड के लिए चाहिए होगा हमें 15x15 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर पीस। इसको मिड में से ट्रायंगुलर फोल्ड कर लेंगे। बीचों बीच इसको हाफ फोल्ड कर दिया हमने। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब इसको भी मिड में से एक फोल्ड और करेंगे। इसको भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब इसे ओपन करेंगे, ओपन करके मिड में से टिप तक फोल्ड करेंगे। इस टाइप से जैसे मैं कर रही हूँ इसी टाइप से आपको भी करना है। इसी टाइप से दूसरा साइड भी हम फोल्ड कर लेंगे। अब इसको हाफ पॉइंट तक ले जाकर ऊपर की साइड फोल्ड कर देंगे। दोनों हिस्सों को इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे। उसके हाफ पोर्शन को नीचे की साइड मोड़ कर लाएंगे। जो पोर्शन हमने ऊपर की साइड फोल्ड किया था उसके हाफ पोर्शन को मिड में से नीचे की साइड ट्रायंगुलर फोल्ड करके लाएंगे।
हमने मार्क लगा लिया है 3 सेंटीमीटर का, यहाँ तक नीचे के एक पार्ट को फोल्ड करके लाएंगे। इसको एक फोल्ड और करेंगे, अब उसके ऊपर वाले फोल्ड को इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। नीचे के दूसरे फोल्ड को पीछे की साइड फोल्ड कर देंगे। अब हम इसकी आईज, आईब्रो और बीक बनाएंगे। आईज के लिए हमने एक वाइट पेपर पे ब्लैक कलर का मार्क बना लिया है, ये आईज की लुक देने के लिए से ग्लू की हेल्प से लगा देंगे। अब ये आईब्रो की शेप का ही हमने येलो पेपर कट कर लिया है, इसे ग्लू की हेल्प से आईब्रो पे पेस्ट कर देंगे। ये दूसरा भी इसी तरह से लगा लेंगे। ये हम बीक लगा लेंगे, इसी साइज का येलो पेपर इसके ऊपर लगा देंगे। ये हमारा एंग्री बर्ड का फेस लुक तैयार हो गया है। इसको बीच में से प्रेस करके अंदर की साइड फोल्ड करेंगे ताकि 3D लुक लगे, हल्का सा इसमें उभार आ जाए। से प्रेस करके अंदर दबा देना है। अब हम इसके हेयर का लुक देने के लिए हमने इस तरह से शेप ड्रॉ करके एक पीस कट कर लिया है, इसे इसके बैक पे पीछे ग्लू की हेल्प से थोड़ा सा इस तरह से चिपका देंगे। ये हमारा परफेक्ट एंग्री बर्ड टाइप तैयार हो गया है शेप। अभी हम इसके माउथ ड्रॉ कर रहे हैं, हमने पीस कट करके माउथ की शेप पे लगा दिया है। अब इसे हम पेन स्टैंड पे अटैच करेंगे ग्लू की हेल्प से जो हमने बनाया था, इसे हम यहाँ लगा देंगे, इसके साथ जुड़ जाएगा। पेन स्टैंड का बेस बनाने के लिए हमने एक पेपर का पीस लिया है और नीचे के कॉर्नर्स पे ग्लू लगा के इसे उसके साथ रख देंगे। जब ये अटैच हो जाएगा तो इसे इसकी शेप में कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब इसे सीजर की हेल्प से कट कर लिया हमने। ये हमारा पेन स्टैंड तैयार है। इस तरह से अपने स्टडी टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम एक और पेन स्टैंड बनाते हैं, जो दो पीसेस हमने अटैच करे थे उसमें थर्ड पीस को और अटैच कर लेंगे। हमने एक जैसे 6 पीसेस तैयार किए थे, दो को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब उसी प्रोसेस की तरह से एक के साथ एक इस 4 पीसेस अटैच करेंगे ग्लू की हेल्प से, एक एक करके। 3 पीस हम अटैच कर चुके हैं, चौथे पीस को अटैच करने जा रहे हैं, फोर्थ पीस अटैच करने जा रहे हैं इसके साथ। ये हमने चारों पीसेस को एक साथ अटैच कर दिया है। अभी इसका बेस बनाने जा रहे हैं हम। बेस बनाने के लिए नीचे के बॉटम के पोर्शन पर ग्लू लगा लेंगे और इसे रख देंगे इस पर। बाद में जब ये एक साथ चिपक जाएंगे तो शेप के हिसाब से काट लेंगे, ये हमने कटिंग कर लिया है। अब इस पर हम थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। ये हम स्टार लगाने जा रहे हैं, मार्केट में रेडीमेड स्टिकर्स के रूप में स्टार्स मिल जाते हैं, वो हमने लगाए हैं। ये हम पूरे पेन स्टैंड पे थोड़े थोड़े स्पेस पर लगा लेंगे।
ये पेन स्टैंड को थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। नीचे की लाइनिंग पर हम सिल्वर कलर की टेप से डेकोरेट करेंगे। ये हमने डेकोरेट कर लिया है। ये हमारा पेन पेंसिल होल्डर तैयार है हमारे स्टडी टेबल को डेकोरेट करने के लिए। आप इजीली इसको घर में अपने आप अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं।